मैं, आप चाहें तो मुझे अंतःकरण का जासूस कह सकते हैं। मैं हर कहानी में मौजूद रहता हूं, आपकी नजर ही मेरी तरफ नहीं जाती। मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूं कि पात्रों के मन में क्या चल रहा है। खैर, आप फिक्र न करें, मैं कहानी में किसी किस्म का खलल पैदा नहीं करूंगा। इसलिए जाता हूं तो नहीं कह सकता, आता हूं। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, वही कि मदन चला गया दिल्ली। मेरा भी मन नहीं लग रहा था काम में बात करने। बहुत अच्छा किया आपने। आज बहुत गर्मी है ना? हाँ, गर्मी तो है। मैं समझी थी कि प्रकाश खाना लेने आया होगा। आप इस समय कैसे आ गए? खान, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ सुनो, ये लो ये लो। आपको कैसे पता? मैं माचिस ही ढूंढ रही थी। Thank you.
अरे यार तृप्ता, तुम ये प्यार क्यों हिला रही हो? कहानी लिख रही थी क्या तुम? मुझे लगता है यदि इसी तरह तुम कहानियां लिखते रही ना, तो एक दिन बहुत बड़ी लेखिका बन जाओगी। सच? अच्छा? शादी के बाद कहां मैंने कुछ लिखा है? मैं तो बस वही पुरानी कहानी पढ़ रही थी, वही जिसे सुनकर आपने मेरा खूब मजाक उड़ाया था। कई बार बेवकूफ बनाकर उतना मजा नहीं आता जितना कि बेवकूफ बनकर आता है। बच गई, मैं तो जबरन ही डर गई। टांगे मेरी दर्द कर रही है और पैर तुम मिला रही हो। जरा मेरी तरफ देखो। अरे देखो भी। ये आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? खा रहा हूँ यार। देखो 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 देखो। अरे तुम्हारा स्टोव बुझ गया। ओए माँ। तुम तो ऐसे दौड़ रही हो जैसे दूध बन गया। अरे भाई जब गांव से सभी लोग शहर में पहुंच जाएंगे तो शहर में पांव रखने की जगह कहाँ मिलेगी? तो गांव से शहर की ओर लोग बढ़ रहे हैं रोजगार के लिए। तो गांव में रोजगार नहीं है क्या? क्या मतलब आपका कहने का? खेती बाड़ी। चार महीने बारिश का वही ना। अरे तो बाकी समय भी आप छोटे छोटे बहुत सारे काम कर सकते हैं भाई। तो दवा का उत्पादन गाँव में होगा, सब्जी भाजी का तो होगा कि नहीं होगा? खेती बाड़ी तो होती है। तो केवल सब्जी से काम चल जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भाई मेरा ये कहना सब्जी से नहीं होगा। अरे बस भी करो यार, हर समय चिक चिक हा? अरे बड़ी मुश्किल से तो बच्चों के शोरगुल से निकल के आया। अरे यार तृप्ता, ये अपनी गली के बच्चों के स्कूल कब खुलेंगे भाई? कुशल की नजर इतनी पैनी नहीं है जितनी मैं समझ बैठी। वैसे कितना अच्छा हो अगर आज हम लोग पिक्चर चले। मदन के वापस लौटने तक तो देखो अपन पिक्चर जा नहीं सकते। वो जा रहा था आज दिल्ली और मैं भी उससे पैसे नहीं मांग पाया। तो क्या हुआ, पिक्चर जितने पैसे तो है मेरे पास। कैसे? वो कल सोम दे गया था। ये बाकी बातें बाद में, पहले एक कप चाय और लाओ। कल सोम दे गया। अरे बैठो ना भाई, बैठो। और घर में सब ठीक तो है? हाँ सब बढ़िया। कैसे आ रहा हूँ? ये अपने दोस्त के साथ आया था तो घर वालों ने कहा कि तृप्ता के हाल भी पूछाना। ये अच्छा किया तुमने। अरे भाई प्रकाश, इन्हें जरा मेरे घर तक छोड़ा। और सुनो, खाना भी लेते हैं। आज मैं घर जा नहीं पाऊंगा। ठीक। सोम डरपोक था, डरपोक है, डरपोक रहेगा। तृप्ता डरपोक थी, डरपोक नहीं है। तृप्ता सयानी, बहुत बड़ी सयानी बिल्ली। बड़ी सयानी बिल्ली। बिल्ली? बिल्ली नहीं, मुझे तो चूहे से बहुत डर लगता है। अच्छा? सोम ना बहुत देर तक आपका इंतजार करता रहा। बहुत मीठे आम है, लीजिए ना। अरे मैंने तुमसे चाय मांगी थी, आम नहीं। हाँ
सोम कह रहा था माँ बहुत याद कर रही थी। अच्छा क्या सोच रहे हो? यही कि इस पहली को एक खाट ले लें आप। खाट? हाँ। पर मैं तो बहुत कम जगह घेरती हूँ। तुम बच्ची हो, तुम क्या जानो, सारी बातें समझ में आती हैं तुम्हें? क्या? हाँ। वैसे भी तुम्हें पता है अभी तक तुम्हारे मुंह से अक्सर दूध की बू आती है। कुछ भी। कभी भी अब मुझे शेव बनाने और नहाने के लिए मत कहना। जब मेरी इच्छा होगी शेव करूंगा और जब मन आएगा तो मैं नहाऊंगा, समझे? तृप्ता, तृप्ता, अरे सुबी है। ये सुबी ना बहुत ही खराब लड़की है। लड़कियां तो सभी खराब होती हैं। दिखने में कितनी भोली भाली लगती है ना, पर मुई के पास लड़कों के खत आते हैं। दिखने में तो तुम भी बहुत मासूम लगती हो। अरे जवान लड़की है, लोग यूं ही बदनाम कर देते हैं। मैं भला उसकी बदनामी क्यों करूंगी? हाँ, मैंने खुद देखे उसके पास दर्शन के खत, और तो और नासपिटी उनके जवाब भी लिखती हैं। अरे तुम क्या खाक कहानियां लिखती होगी यार, अरे खत लिखने में बुराई क्या है? हाँ? और फिर कहानी लेखिका को कुछ तो उदार होना चाहिए। हाँ? उफो, आप कोई और मकान देखिए ना, इस घर में तो चीजें रखने की भी जगह नहीं है। अच्छा? सारी रात ये ट्रंक मेरी पीठ को चुभता रहता है। ये ट्रंक चुभता है? तुम ऐसा किया करो, सोने के पहले इसे खाट के नीचे से निकाल लिया करो। अब शेव क्यों नहीं बनाते? अरे यार शेव तो अब बन ही जाएगी। हाँ यार ये सुबी तो बड़ी मासूम सी लड़की है, समझ नहीं आता तुम उसके बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों करती रहती है। आपको बात का पता नहीं होता और? और क्या? हाँ? अरे खत लिखने में मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती, और खत लिखने के अलावा भी वो कुछ करती हो ये मैं सोच नहीं सकता। और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि लड़कियां अक्सर डरपोक ही तो होती हैं। अच्छा, आपको तभी पता चलेगा जब उसके भागने की खबर मिलेगी। यदि ऐसी लड़की है वो तो तुम उससे संबंध ही क्यों रखे? मैं तो उसे समझाती रहती हूँ। चलता है यार। मैंने तो उसे ये भी समझाया है कि वो दर्शन से कहे कि जब तक वो उसके पिछले खत नहीं लौटाता है वो उससे बात नहीं करेगी। तुम जरूर उसे फंसवाओगी।
वापस आऊंगी कैसे? अरे भाई, खतों को नष्ट करते उससे बनेगा नहीं, और यदि उन्हें संभाल के रखेगी ना तो कभी भी राज खुल सकता है। भाग में जाए सुप्री और उसकी खत। अच्छा, अगर आज हम लोग पिक्चर नहीं चलेंगे ना, हाँ, तो मैं आपके लिए कुछ खरीद के लाऊंगी। इतना प्यार न किया करो टिप्पो, पहले तो तुम इतनी। बस बस बताइए ना, मैं आपके लिए क्या लाऊं? अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए एक खाट ले। खाट? खाट नहीं, मैं तो आपके लिए आपकी प्रिय पुस्तक, एक नया बूशर्ट, एक नया टूथब्रश और ढेर सारी टॉफी और लॉलीपॉप लाऊंगी। तुमका ढेर सारी टॉफी और लॉलीपॉप ही लिया? नहीं ना, मैं तो सब लाऊंगी। अच्छा तुम्हारे पास कितने पैसे होते? 5 रुपए। 5 रुपए? अरे 5 रुपए में ये सब नहीं आएगा, जरूर तुम्हारे पास और पैसे होंगे। कसम से इतने ही है, आप सोम से पूछ लीजिए, वो इतने ही देख के गया था। सोम से पैसे क्यों लिए तुमने? छोड़ो, लगता ये सोम तुम्हारा लगता क्या है? बुआ का लड़का, कई बार तो बताया है आपको। मैं हर बार भूल जाता हूँ। वैसे जिस तरह तुम्हारी शादी में सबसे अलग थलग खड़े होके रो रहा था ना वो, तो मैंने तो सोचा कि ये जरूर मेरा रकीब होगा। रकीब? रकीब के माने क्या होता है? रकीब अरबी में बुआ के लड़के को रकीब कहते हैं। देखो कितना मेरे करीब है मेरा साया, रकीब है ये। इतनी छोटी सी बात को लेके उसे कब से परेशान कर रहा है? ये मनोरंजन का साधन भी तो उस दिन अचानक ही मेरे हाथ लग गया था, अपनी एक किताब ढूंढते ढूंढते। अरे ये तो मुझसे 9 साल छोटी है, अनजाने ही एक चूजा ज़दा हो गया। उस शरीफ लड़के से अपनी सारी चिट्ठियां भी वापस ले ली। सोम देखकर ये अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता कि ये लड़का इतना भावुक भी हो सकता, और हिज्जों की इतनी गलतियां। फूलों में फूलना क्या है? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? दरअसल मुझे ना शीला की याद आ रही है। शीला? हाँ, जब मैं हंसता था ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह मुझे टोक देती थी। एक बार क्या हुआ कि मैं और शीला हम लोग साथ साथ पिकनिक मनाने गए। बस बस, मुझे आगे और नहीं सुनना। क्या हुआ? आप मेरा बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा तो अब तुम बनाओ मेरा बेवकूफ। बनाओ भी क्या? यही बेवकूफ। तुम शायद सोचती हो कि मैं पहले से ही बेवकूफ हूँ। बेवकूफ तो आप बना रहे हैं। कैसे? रकीब के माने क्या होता है? बताया ना, बुआ का लड़का, कहानी लेखिका होगी भी इसका अर्थ नहीं जानती तुम। आपको मेरा कुछ पसंद भी है? निश्चित रूप से मुझे तुम्हारी रचनाएं पसंद आ सकती हैं, पर तुम कभी सुनाओ तब तो। इतना मराऊंगा
रुकती जाएगी। जाने के इस लंबे सिलसिले से तो अच्छा था दिन भर वहीं दुकान पे बैठ के टाइप करता। क्या है ये? अरे कहानी चला दी क्या? उठो उठो भी, क्या होता स्त्रियां यूं बच्चों की तरह रोया नहीं। उठो चलो। Yeah.